हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का, अबू धाबी स्टेडियम से T20 मैच। ये है आपके सामने दोनों टीम की लाइनअप। दोनों कैप्टन है रोहित शर्मा और एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी। ये है आपके सामने पिच। चलते हैं सीधा टॉस की तरफ, देखेंगे सिक्का किसकी तरफ उछलेगा। दोनों कप्तान है तैयार। चेन्नई सुपर किंग्स ने बोला है टेल्स, सिक्का उछल चुका है और मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने चूज़ किया है पहले बॉलिंग। तो चेन्नई सुपर किंग्स की आएगी पहले बैटिंग। दोनों कैप्टन हाथ मिलाते हुए सीधा चलेंगे पहले इनिंग की तरफ और शुरुआत करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। ओपनिंग करने आएंगे आपके शेन वॉटसन और अंबाती रायडू। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथ में, मुंबई इंडियंस के फास्ट बॉलर। तो मुंबई इंडियंस की टीम और अंपायर उतर चुके हैं। यह है आपके सामने बॉल, बहुत ही प्यारी बॉल लगती हुई। जसप्रीत बुमराह ले चुके हैं बॉल। ये हैं दोनों ओपनर हमारे सामने, शेन वॉटसन और अंबाती रायडू उतर चुके हैं मैदान पे। पहले इनिंग की शुरुआत करेंगे, देखते हैं क्या स्कोर खड़ा करेंगे और कितना ये रन बनाते हैं दोनों बैट्समैन। बहुत ही प्यारी किट। तो शेन वॉटसन स्ट्राइक लेते हुए, जसप्रीत बुमराह पहला ओवर वार्म अप करते हुए अपने को तैयार कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। देखते हैं कैसी बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल जसप्रीत बुमराह तैयार हैं, फेस करेंगे शेन वॉटसन, रेडी टू द मैच। अच्छी बॉल, शानदार शॉट, कवर के ऊपर से निकाले हैं, मिल जाएंगे 2 रन आराम से। तीसरे रन के लिए भी भाग गए हैं, मिल जाएगा आराम से। तो पहली बॉल 3 रन मिलते हुए शानदार शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की। तो नथन कॉल्टन नाइल अगला ओवर लेकर आ चुके हैं। पहले ओवर में बने थे 7 रन और नथन कॉल्टन नाइल शुरुआत करेंगे। फेस कर रहे हैं शेन वॉटसन, पहली बॉल नथन कॉल्टन नाइल। तो नथन कॉल्टन नाइल रन अप लेते हुए पहली बॉल, अच्छी बॉल, एज लगाया पैर से लग के सीधा फील्डर के पास और शानदार कैच रोहित शर्मा का। स्लिप से भाग कर आया रोहित शर्मा, शानदार कैच लिए और शानदार बॉल थी और पहला विकेट गिरता हुआ शेन वॉटसन का। कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट एंड पैड का संपर्क हुआ और शानदार कैच रोहित शर्मा का। तो पहला विकेट मुंबई इंडियंस का गिर चुका है। शेन वॉटसन ने बनाया 6 रन और 7 रन पे पहला विकेट मुंबई इंडियंस का। अब आएंगे फैफ डु प्लेसिस, 4487 रन इनका। और दूसरी बॉल नथन कॉल्टन नाइल, बेहतरीन शॉट फैफ डु प्लेसिस का आते ही, बहुत ही प्यारा शॉट, 4 रन मिलता हुआ। टीम का इसको 11 रन पहुंच चुका है इसी के साथ। अगली बॉल नथन कॉल्टन नाइल, एक और बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकालते हुए टीम का स्कोर 15 रन 1 ओवर 5 के बाद। दूसरा ओवर समाप्ति पर है, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 15 और 2 ओवर 4 के बाद टीम का स्कोर है 20 पर 1। अच्छी बॉल जसप्रीत बुमराह की, बहुत बाहर थी, 8 स्विंग होती हुई और उतना ही प्यारा शॉट और 4 रन मिल गया। तो 15 रन अंबाती रायडू और फैफ डु प्लेसिस 3 रन बना के खेल रहे हैं। 24 पर 1 है चेन्नई सुपर किंग्स और एक ऑफ फ्लिक शॉट गैप में है, 4 रन मिलता हुआ इस बार। टीम का स्कोर 28 पर 1 और फैफ डु प्लेसिस पहुंच गए हैं 7 पे। एक और बहुत ही प्यारा शॉट, पूरी पावर से खेला है, गैप में है और 6 रन मिलेंगे। पहला छक्का आईपीएल 2020 का चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन फैफ डु प्लेसिस के बैट से। ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं बॉलिंग में और बहुत ही अच्छी बॉल थी, इन स्विंग थी लेकिन उतना ही प्यारे ढंग से खेला
और 4 रन मिलेंगे अंबाती रायडू को। अंबाती रायडू पहुंच चुके हैं 19 रन पे, बहुत ही प्यारा शॉट था। टीम का स्कोर 42 पर 1। एक और अच्छा शॉट अंबाती रायडू के बैट से और 4 रन मिलेंगे। तो हार्दिक पांड्या अब 9 बॉल देख के, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शॉट है, 4 रन मिलते हुए इसी के साथ टीम का स्कोर 53 रन। 7 ओवर के बाद CSK का स्कोर है 62 पर 1। राहुल चहर है बॉलिंग पे और बेहतरीन शॉट राहुल चहर को लेग पे खेला और 4 रन मिलते हुए फैफ डु प्लेसिस को। फैफ डु प्लेसिस शानदार बैटिंग करते हुए, उनका भरपूर साथ देते हुए अंबाती रायडू, बेहतरीन शॉट है एक और लेग पे, लेकिन पीछे फील्डर है। क्या अंबाती रायडू आउट होंगे? और बेहतरीन कैच पकड़ते हुए फील्डर और अंबाती रायडू की इनिंग हो चुकी है समाप्त। बढ़िया बॉल थी, गूगली कराने की कोशिश राहुल चहर की और पूरा फ्लाइट दिया उसमें फंसते हुए अंबाती रायडू, लेकिन उतना ही अच्छा कैच, पूरा जंप किया और बढ़िया कैच। अंबाती रायडू 39 रन बना के आउट हो गए, 9 चौके मारे, 177 का स्ट्राइक रेट था। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल और कुणाल पांड्या लेकर आए हैं अपना ओवर, और 70 पे 2 है CSK का स्कोर 8 ओवर के बाद। बहुत ही अच्छा शॉट, क्या 6 रन मिलेंगे फैफ डु प्लेसिस को? बिल्कुल मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे, लेकिन बढ़िया शॉट था। अच्छी बॉल है लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, थ्रो थोड़ा अजीब था, लेकिन बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ। 9 ओवर के बाद 76 पे 2 CSK का स्कोर और राहुल चहर आगे बॉलिंग करते हुए, बेहतरीन शॉट बैक फुट पे गए, ऊपर से खेला और मिल जाएंगे चौका। तो बढ़िया बैटिंग करते हुए फैफ डु प्लेसिस और महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी पहुंच चुके हैं 6 रन पे, फैफ डु प्लेसिस 32 पे। और बहुत अच्छी फ्लाइट बॉल और महेंद्र सिंह धोनी बैक फुट पर जाके खेलने की कोशिश और मिडिल स्टम्प उड़ेगा, बहुत ही अच्छा फ्लाइट दिया और मिडिल स्टम्प उड़ता हुआ। बैक फुट पर जाने की ज़रूरत नहीं था महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन उनके दिमाग में कोई शॉट था जो गलत होता हुआ और महेंद्र सिंह धोनी 6 रन बना के हो चुके हैं बोल्ड। अब आएंगे केदार जाधव, तो अगली बॉल और बहुत ही प्यारा शॉट, मिल जाएंगे 4 रन फैफ डु प्लेसिस को और शानदार ख़तरनाक बैटिंग करते हुए फैफ डु प्लेसिस टीम को संभाल रहे हैं। टीम का स्कोर 92 पर 3 पहुंच चुका है 10 ओवर 5 के बाद। ये बैट एंड पैड का संपर्क हुआ, क्विंटन डिकॉक का बेहतरीन कैच, एक और विकेट गिरता हुआ, केदार जाधव आउट हो रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा सा डिसपॉइंट होंगे, बैट एंड पैड का संपर्क ना होता तो ये कैच भी ना होता। लेकिन मुंबई इंडियंस को एक और विकेट मिल चुका है, केदार जाधव जल्दी आउट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी बॉल थी, फ्लाइट कराया, पूरी तरह से ऑफ स्पिन थी, बैट एंड पैड का संपर्क हुआ और केदार जाधव 3 रन बना के हो चुके हैं आउट कुणाल पांड्या के बॉल पे। राहुल चहर, लेकिन प्यारा शॉट फैफ डु प्लेसिस का, मिल जाएंगे 4 रन, फैफ डु प्लेसिस पहुंच चुके हैं 41 पे। तो बढ़िया बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर भी 96 पे 4। बहुत प्यारी बॉल, बाल बाल बचे फैफ डु प्लेसिस। अगली बॉल लास्ट बॉल 12वें ओवर की, एक और अच्छी बॉल, मिड ऑफ है, कोई रन नहीं मिलेगा फैफ डु प्लेसिस को। फैफ डु प्लेसिस बना चुके हैं 41 रन 12 ओवर के बाद 96 पे 4। रविंद्र जडेजा आए हैं स्ट्राइक पे, कुणाल पांड्या की बॉल, बहुत ही प्यारा शॉट है ये, लेफ्ट हैंडर की तरफ से देखने को मिलता है और 4 रन मिल जाएंगे पहली बॉल पे। रविंद्र जडेजा की बेहतरीन शुरुआत, चौके के साथ टीम का स्कोर भी पहुंच चुका है 104 पे 4। अच्छी बॉल, स्विप खेला है, गैप में है और निकल जाएगा 4 रन। बहुत ही प्यारी बैटिंग रविंद्र जडेजा की तरफ से।
पूरा ऑफ स्पिनर का फ़ायदा उठाते हुए। और ट्रेंट बोल्ट अच्छा शॉट, फैफ डु प्लेसिस का, फैफ डु प्लेसिस पहुँच जाएंगे 49 पे। बहुत ही ख़तरनाक बैटिंग देखने को मिला पूरा तरह से टीम को संभालते हुए। और 118 पर 4 हो चुका है टीम का स्कोर। एज लगेगा सीधा कीपर के हाथ में और रविंद्र जडेजा की छोटी इनिंग समाप्त होती हुई। बहुत अच्छी बॉल थी, फ्लाइट कराया, लेफ्ट हैंडर थे, अंदर की तरफ बॉल आई, इनर एज लगा, टॉप एज लगा सॉरी, और रविंद्र जडेजा आउट होते हुए। बहुत ही अच्छी बॉल, कोई गलती नहीं क्विंटन डी कॉक की तरफ से, बेहतरीन कीपिंग देखने को मिला। रविंद्र जडेजा 14 रन बना के 2 चौके इसमें शामिल थे। और अब आ चुके हैं ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज चैम्पियन, क्या करेंगे अपनी टीम के लिए देखते हैं। कुणाल पांड्या 3 विकेट 27 रन दे के, अच्छा शॉट, हल्के हाथ से फ्लिक किया, कोई पावर ज़्यादा नहीं लगाया और 4 रन मिलते हुए। अगली बॉल 15 ओवर समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ फैफ डु प्लेसिस की हाफ सेंचुरी होती हुई। टीम का स्कोर भी 127 रन पहुंच चुका है 15 ओवर के बाद। 9 चौके 1 छक्के शामिल, 39 बॉल में 50 रन की पारी फैफ डु प्लेसिस की तरफ से, शानदार पारी। स्कोरिंग एरिया बहुत ही बेहतरीन, नथन कॉल्टन नाइल अपना ओवर लेकर आए हैं, 16वां ओवर चल रहा है। और अच्छी बॉल गैप में खेला है, आउटफील्ड इतनी तेज़ है कि निकल जाएगा 4 रन। और बहुत ही अच्छा शॉट ड्वेन ब्रावो के बैट से, पूरी तरह से गैप का फ़ायदा उठाया, 135 पे 5। अगली बॉल अच्छा शॉट, गैप में है, 2 रन देने की कोशिश होगा और भाग गए हैं, लेकिन थ्रो बहुत तेज़ है और ये हो जाएंगे रन आउट। थर्ड अंपायर जा रहे हैं, देखते हैं क्या देता है थर्ड अंपायर डिसीजन, और आउट ही है। तो ड्वेन ब्रावो की अच्छी पारी रन आउट के चलते समाप्त होती हुई। 2 चौके मारे थे, 7 बॉल पे 171 का स्ट्राइक रेट था। तो पीयूष चावला आए हैं और राहुल चहर अपना लास्ट ओवर लेकर आए हैं, 20 रन 1 विकेट लिए हैं 17वां ओवर। और अच्छी बॉल मिड ऑफ है, कोई रन नहीं मिलेगा, 136 पे 6 सीएसके का स्कोर। पीयूष चावला अब करेंगे फेस और सही से कनेक्ट नहीं हुआ, बॉल वहीं रह जाएगी और ये होगा शानदार कैच। और इसके साथ पीयूष चावला की छोटी सी इनिंग जो खाता नहीं खोल पाए वो समाप्त होता है। तो सीएसके का विकेट लगातार गिरता हुआ, लेकिन एक तरफ से फैफ डु प्लेसिस पारी को संभालते हुए शानदार 50 मार चुके हैं अब तक, क्या होता है देखते हैं आगे। पीयूष चावला आउट होते हुए अब आएंगे दीपक चहर, 39 हाईएस्ट स्कोर है और 5वीं बॉल सीएसके 137 पर 7। और एक और एज लगेगा, एक और विकेट गिरेगा, कौन आउट हुआ है देखते हैं, क्या ये रिव्यू के लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इसी के साथ फैफ डु प्लेसिस का बड़ा विकेट, 55 रन बना के हो चुके हैं आउट। और टीम अब थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई, 137 पर 8। इमरान ताहिर आते ही बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिल जाएंगे 4 रन, क्या शुरुआत है इमरान ताहिर का। टीम का स्कोर 141 पे 8 18 ओवर के बाद। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी, देखते हैं सीएसके कहां तक जा पाती है, 3 ओवर का खेल बाकी सॉरी, 2 विकेट अभी बाकी हैं। जसप्रीत बुमराह प्यारा शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है और ये मिल जाएंगे 4 रन, बढ़िया शॉट है दीपक चहर का। टीम का स्कोर 147 पर 8। बहुत ही प्यारा शॉट है, पैर पे थी बॉल लेकिन पीछे फील्डर भी है और ये होंगे कैच आउट। और दीपक चहर की इनिंग समाप्त होती हुई। टीम को 9वां झटका लग चुका है चेन्नई के, टीम को संभालना पड़ेगा किसी को, पूरा 20 ओवर खेलना पड़ेगा अच्छा स्कोर बनाना है। तो पूरी तरह से प्लेयर मुस्तैद थे और कोई गलती नहीं किए। दीपक चहर आउट होते हुए 2 बॉल खेले थे 1 रन बना के, अब आए हैं लास्ट विकेट शार्दुल ठाकुर, 15 बेस्ट है। अगली बॉल नथन कॉल्टन नाइल, 154 पे 9, लेकिन बहुत ही प्यारा शॉट, मिल जाएगा 4 रन,
इमरान ताहिर के बैट से। इमरान ताहिर 7 बॉल पर 18 रन बना के खेल रहे, बहुत ही ख़तरनाक मूड में। एक और बहुत ही ख़तरनाक शॉट, गैप में है, पूरी तरह से फ़ायदा उठाया, 4 रन मिलेगा। टीम का स्कोर 162 पे 9। लास्ट ओवर 171 पे 9 है चेन्नई, और बहुत ही प्यारा शॉट इमरान ताहिर का, 4 रन मिलेंगे 175 पे 9, और इमरान ताहिर पहुंच जाएंगे 34 रन पे। बहुत ही प्यारी इनिंग खेले, 36 रन बनाए हैं 14 बॉल पे, और लास्ट बॉल डॉट होंगे, स्लोअर बॉल थी, बैक फुट पे खेला, कोई रन नहीं मिलेगा, मिड ऑफ था। टीम का स्कोर 177 पे 9। इमरान ताहिर ने पूरी पारी को संभाला और तेज तर्रार रन बनाए, और पहली इनिंग समाप्त होती हुई 177 पे। बहुत ही बड़ा टारगेट है, देखना होगा मुंबई इंडियंस क्या चेस कर पाएगी, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, अच्छे बॉलर हैं मुंबई के पास। फैफ डु प्लेसिस ने बहुत ही शानदार इनिंग खेला 55 रन का, और उसके बाद नीचे आके इमरान ताहिर ने तेज तर्रार 36 रन बनाए। 177 पे 9 पहुँच गई चेन्नई की टीम, और मिलते हैं दूसरी इनिंग में। अब बॉलिंग अच्छी देखने को मिला दोनों स्पिनर की तरफ से, कुणाल पांड्या हो या राहुल चहर हो। चलते हैं दूसरी इनिंग की तरफ, क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा करेंगे शुरुआत मुंबई इंडियंस की तरफ से। क्या करते हैं शुरुआत में देखना होगा। पहला ओवर दीपक चहर कराएंगे, अच्छी स्विंग कराते हैं, पहली बॉल फेस करेंगे क्विंटन डिकॉक, अच्छी बॉल, उसको हल्के हाथ से खेला लेग पे और दूसरे रन के लिए भाग गए हैं, और ये डायरेक्ट हिट है, ये रिस्की मामला हो सकता है, डायरेक्ट हिट, और क्विंटन डिकॉक खतरे में, और सीधा खतरे में, और ये होंगे सीधे आउट, क्योंकि डायरेक्ट हिट था और कोई ही जवाब नहीं इसका। तो क्विंटन डिकॉक एक रन बना के आउट होते हुए, अब आएंगे ईशान किशन, क्या करेंगे ये टीम के लिए, देखने वाली बात है। दीपक चहर अच्छी बॉल थी, और उतना ही प्यारा शॉट था देखने को मिला, और ये मिड ऑफ ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर है पूरी तरह से तैयार, और मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक दूसरे झटके लगते हुए ईशान किशन 0 पर आउट होंगे, गोल्डन डक, और ये बहुत ही ख़राब शुरुआत मुंबई इंडियंस की। सूर्य कुमार यादव आते हुए, इनसे ज़रूरत है टीम को संभालें, आगे ले जाएं। दीपक चहर खतरनाक बॉलिंग, अच्छा शॉट, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकाल दिया है, आउटफील्ड तेज है, और मिल जाएगा पहला चौका मुंबई इंडियंस की टीम को सूर्य कुमार यादव के बैट से। सूर्य कुमार यादव ने मारा नहीं, रोहित शर्मा ने मारा, बहुत ही प्यारा शॉट था, एक और रोहित शर्मा का शॉट, सिंगल मिलेगा, ओवर थ्रो होगा, निकल जाएगा 4 रन, कोई फील्डर नहीं है पीछे बैकअप के लिए, तो बैकअप का प्लेयर नहीं होने के कारण बाय में मिले 4 रन मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस का स्कोर पहले ओवर में 9 रन। शार्दुल ठाकुर 10 रन, सॉरी 10 पे 2, और अगली बॉल शार्दुल ठाकुर की, अच्छी बॉल, सिंगल लेने की कोशिश, रिस्की हो जाएगा ये भी, डायरेक्ट थ्रो होता हुआ, और क्या लग रहा है रोहित शर्मा भी आउट होंगे, बिल्कुल होंगे रोहित शर्मा भी आउट। तो बड़ा विकेट मुंबई इंडियंस का कैप्टन रोहित शर्मा, 2 चौके मारे थे प्यारे ऑफ पे, लेकिन अपना विकेट खो चुके हैं रन आउट पे। मुंबई इंडियंस 13 पे 3, किरण पोलार्ड अच्छी बॉल थी, उसको हल्के हाथ से पुल किया, आउटफील्डिंग भी तेज, निकल जाएगा 4 रन, बढ़िया बॉलिंग, और 5वां ओवर समाप्त पर है मुंबई इंडियंस 29 पे 3 है। सूर्य कुमार यादव उड़ा के खेला है शॉट, मिड ऑफ है, और ये सीधा फील्डर के हाथ में, बढ़िया कैच। मुंबई इंडियंस को एक और झटका लगता हुआ, पावर प्ले का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, और सूर्य कुमार यादव 8 रन बना के हो चुके हैं आउट। अब आएंगे हार्दिक पांड्या, कुनफू पांड्या, क्या करते हैं रविंद्र जडेजा, 5 ओवर 29 पे 4 मुंबई इंडियंस का स्कोर। हार्दिक पांड्या है स्ट्राइक पे, और बहुत ही प्यारा शॉट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के बीच से, 4 रन मिलते हुए।
कोई जवाब नहीं फील्डर के पास कि शॉट को रोक पाए। बहुत ही प्यारे ढंग से खेला कुंफू पांड्यांद। आगे बढ़ते हैं अगली बॉल की तरफ। अगली बॉल बढ़िया शॉट है, वहीं पे है मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच से। इस बार 2 रन मिल जाएंगे इजीली। बढ़िया शॉट, हार्दिक पांड्या पूरी तरह से हैं तैयार। मुंबई इंडियंस को संभालना होगा, क्या कवर में शॉट लगा पाते हैं। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से लगाएंगे कवर पे शॉट और मिल जाएगा बहुत ही प्यारा शॉट। 4 रन मिलता हुआ मुंबई इंडियंस का स्कोर पहुंच गया इसी के साथ 43 रन 42 रन 42 पे 4। अगली बॉल बहुत ही प्यारा शॉट, पूरी आइडियल टाइमिंग के साथ खेला है हार्दिक पांड्या ने, पूरी तरह से कनेक्ट हुआ, मिल जाएंगे 6 रन। टीम का स्कोर 48 पे 4। इमरान ताहिर को विद द स्पीड खेला, पूरी तरह से तैयार थे कुंफू पांड्या और बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ कनेक्ट हुआ, 6 रन मिलते हुए टीम का स्कोर 48 पे 4। अगली बॉल अच्छी बॉल, डॉट बॉल कराते हुए हाल इमरान ताहिर। हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं 17 रन पे, 7 ओवर चल रहा है। अच्छी बॉल मिड ऑन पे, 1 रन मिलेगा, रनिंग का भी बहुत ज़रूरत है। डॉट बॉल नहीं होना है मुंबई इंडियंस को, मैच निकालना है धीरे धीरे ही, सही रन आने ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं 49 पे 4 मुंबई इंडियंस का स्कोर। बहुत ही प्यारा शॉट पूरे कनेक्ट के साथ, 6 रन मिलते हुए देख के मज़ा ही आ गया। किरण पोलार्ड पूरी तरह से तैयार थे शॉट के लिए, बहुत ही प्यारा शॉट खेला। अब आ चुके हैं इमरान ताहिर, 60 पे 4 मुंबई इंडियंस का 9वां ओवर चल रहा है। बहुत ही प्यारा शॉट है, फील्डर पीछे आते हुए, क्या कैच होगा, कैच ड्रॉप होता हुआ ड्रीम ब्रावो से। बहुत ही गलत बात है, कैच इस समय नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि दोनों बैट्समैन हो चुके हैं सेट। इनका कैच छोड़ेंगे तो भारी पड़ेगा चेन्नई के लिए। पूरी तरह से लेग पे खेला शॉट, पूरी तरह से कनेक्ट हुआ, 6 रन मिलते हुए किरण पोलार्ड को। बड़ा छक्का था, पीयूष चावला अपना ओवर लेकर आया, 10वां ओवर चल रहा है। 69 पे 4 है मुंबई इंडियंस का स्कोर। बढ़िया शॉट, मिड ऑन है नहीं, 1 रन मिल जाएगा आराम से। टीम का स्कोर 70 पे 4, किरण पोलार्ड 25 रन और हार्दिक पांड्या 26 रन बना के खेल रहा है। रिवर्स खेला है, गैप में खेला है, बिल्कुल मिल जाएंगे 4 रन। बेहतरीन शॉट था, बढ़िया लगा देख के रिवर्स शॉट। आ चुके हैं दीपक चहर अपना अगला ओवर लेके, 80 पे 4 मुंबई इंडियंस, 56 बॉल पे चाहिए 96 रन। बहुत ही प्यारा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 4 रन मिलते हुए नहीं मिलेंगे, फील्डर आ चुके हैं, 3 रन के लिए भाग गए। बेहतरीन रनिंग इसका ज़रूरत है, ड्वेन ब्रावो अपना ओवर लेके आ चुके हैं और किरण पोलार्ड करेंगे फेस, 36 रन बनाए हैं। बढ़िया शॉट पॉइंट के ऊपर से मिलता हुआ 4 रन। तो चाहिए अब 47 बॉल पे 88 रन और बढ़िया बैटिंग होती है, 43 बॉल पे 85 रन चाहिए, 93 पे 4। बैक फुट पे गए, बेहतरीन कट किया और 4 रन मिलते हुए हार्दिक पांड्या को और बढ़िया बैटिंग का मुजहरा पेश करते हुए दोनों 37 रन बना चुके हैं हार्दिक पांड्या। किरण पोलार्ड 46 रन, बढ़िया शॉट, हल्के से सिर्फ दिशा दिखाई और शानदार चौका मिलता हुआ हार्दिक पांड्या को। बढ़िया शॉट, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में शॉट। अब चाहिए 35 बॉल पे 68 रन, हार्दिक पांड्या पहुंच चुके हैं 41 पे। बहुत ही प्यारा शॉट एकदम सामने सीधे बल्ले से, मिल जाएंगे 6 रन। क्या टाइमिंग है हार्दिक पांड्या की, पूरी तरह से तैयार हैं कुंफू पांड्या और उनका साथ भरपूर देते हुए किरण पोलार्ड, एक जीवनदान मिला लेकिन उसके बाद अपने दिशा से भटके नहीं। अगली बॉल
इस बार टाइमिंग नहीं हुआ, फील्डर है, एक रन मिलेगा कुंफू पांड्या को। 15 ओवर चल रहा है, 33 बॉल पे चाहिए 61 रन। क्या करते हैं किरण पुलाड, इस बार टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, और इसी के साथ हो जाएगा किरण पुलाड का 50 पहला इस साल का आईपीएल में। मतलब 4 चौके 2 छक्के की मदद से 37 बॉल पे 135 का स्ट्राइक रेट, 31 बॉल पर 57 रन चाहिए। किरण पोलार्ड हैं तैयार, बढ़िया बॉल लेकिन उतना ही प्यारा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा के खेला, फील्डर आ जाएंगे लेकिन फिर भी मिल जाएगा 2 रन। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 123 पे 4। तीस बॉल पे चाहिए 55 रन। हार्दिक पांड्या 48 रन बना के, बढ़िया पुल शॉट, बहुत ही बेहतरीन कनेक्ट, और मिल जाएगा 6 रन। इसी के साथ हार्दिक पांड्या का भी होता हुआ 50 और 120 मीटर का लंबा छक्का, 4 चौके 3 छक्के की मदद से 54 रन, 31 बॉल पे 174 का स्ट्राइक रेट। पूरी तरह से मुंबई को मैच मिलाते हुए 24 बॉल पे चाहिए 43 रन। रिवर्स खेला, गैप में खेला, भरपूर टाइमिंग के साथ मिल जाएगा 4 रन एक और, इसी की ज़रूरत है लगातार अब टीम को। किरण पोलार्ड बेहतरीन शॉट दिखाते हुए पहुंच चुके हैं 61 पे और 56 रन हार्दिक पांड्या, 20 बॉल पे 37 रन चाहिए, और ये LBW हो गए आउट। क्या जाएंगे रिव्यू के लिए, देखना होगा, बिल्कुल जा रहा है रिव्यू के लिए, रिस्क लेना चाहिए क्योंकि ये दम पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। बढ़िया बॉल थी लेकिन, और ये गिरेगी पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, और विकेट सिटिंग पूरा ऑफ स्टंप उड़ रहा है किरण पुलाड का, गलत शॉट था लेकिन पूरे सेट बैट्समैन गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स को एक फ़ायदा होगा, वापसी कर सकते हैं मैच में। 61 रन बना के आउट होते हुए किरण पुलाड। अब आएंगे कुणाल पांड्या, क्या खेलते हैं कुणाल पांड्या, देखने वाली बात है। 19 बॉल पर 37 रन चाहिए, पहली बॉल फेस करने आए हैं कुणाल पांड्या, और बेहतरीन टाइमिंग आते ही पूरी तरह से सेट होकर आए हैं पवेलियन से, और 6 रन मिलता हुआ, इसका बहुत ही ज़रूरत था टीम को। पीयूष चावला 16 बॉल पे 31 रन चाहिए मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, और बढ़िया शॉट, रिवर्स खेला, गैप में खेला, मिल जाएंगे 4 रन। टीम को चाहिए 15 बॉल पे 27 रन, 7 बॉल पे 22 रन चाहिए, 156 पे 5। हार्दिक पांड्या 62 रन बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर पूरी तरह से तैयार, और हार्दिक पांड्या एक बड़ा विकेट गिर चुका है। अब आ चुकी मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्या 6 बॉल में 22 रन बन सकता है, ये नामुमकिन है, फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से सेट बैट्समैन हो चुके हैं आउट। लास्ट ओवर देखेंगे कौन लेकर आ रहा है, और लास्ट ओवर करा रहे हैं दीपक चहर, 6 बॉल पे चाहिए 22 बॉल। नथन कॉल्टन नाइल फेस करते हुए पहली बॉल, बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन मार दिया है। अब चाहिए 5 बॉल पे 16 रन, बहुत ही प्यारी वापसी मुंबई इंडियंस की, फिर से प्यारा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिल गएंगे 4 रन। 4 बॉल पे चाहिए अब सिर्फ 12 रन, क्या 4 बॉल पे 12 रन बन सकते हैं, क्या होगा, पूरी तरह से मैच में उम्मीदें बाकी हैं दोनों टीम की, 2 बॉल डॉट, मैच ख़त्म हो जाएगा। एक और प्यारा शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट, मिलेंगे 4 रन, 1 टिप, बाल बाल बचा 6 रन, वो भी हो सकता था। अभी मैच ओपन है पूरी तरह से, क्या करते हैं दीपक चहर, महेंद्र सिंह धोनी समझाते हुए, 3 बॉल पे चाहिए 8 रन, और प्यारी बॉल डॉट होती हुई यर्ली शॉट खेलने की कोशिश, 2 बॉल पे चाहिए 8 रन। अभी मैच पूरी तरह से ओपन है, 1 बॉल, दीपक चहर क्या करते हैं, पड़ जाएगा चौका कवर के ऊपर से, 1 बॉल पे 4 रन चाहिए, बहुत ही बेहतरीन मैच, लास्ट बॉल फिनिश होगा, क्या डॉट बॉल होगा, क्या विकेट गिरेगा, क्या चौका पड़ेगा, नथन कॉल्टन नाइल मैच बनाते हुए पूरी तरह से पड़ जाएगा चौका, एक्स्ट्रा कवर, कवर के बीच से मिलता हुआ चौका,
और बेहतरीन विन मुंबई की, पहली विन आईपीएल 2020 की, पूरी तरह से ख़त्म करके दिया मैच। हार्दिक पांड्या, उसके बाद किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या और उसके बाद नथन कॉटन नाइल, 6 बॉल में 22 रन जिसकी ज़रूरत थी लास्ट ओवर में। दीपक चहर महंगे साबित होते हुए लास्ट ओवर में, और पहला मैच जीत चुकी है मुंबई इंडियंस पूरी 4 विकेट से, और मैन ऑफ द मैच बने कुणाल पांड्या। वो देख के बहुत ही मज़ा आया आज का मैच। मिलते हैं अपने सेकंड मैच में, आईपीएल 2020 के दूसरा मैच होगा